चाहे तो लव यू मेरा बच्चा है तो सो गाइस वेलकम टू द वीडियो ऑफ इंसेन फुटबॉल टॉक्स। और आज हमारे साथ है हमारे अपने वंस अगेन भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आपका दूसरा बार है इंसेन फुटबॉल टॉक्स पर, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मजा ही आता है जब फुटबॉल से रिलेटेड कुछ भी बात करते हैं तो सही है, बढ़िया है। ठंड थोड़ी ज्यादा हुई है बस। बहुत ज्यादा हुई है, उसी के साथ शुरू करते हैं हमारी पहली बात और इसको छोड़ नहीं सकते बाबा, ये वैसे बन गया है जैसे कि हर एक कन्वर्जेशन में अब इसे इंक्लूड करना पड़ेगा। हॉट टॉपिक लुकाकू अपोलॉजी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्या जब लुकाकू ने वो कहा था आपके दिल पर वो बहुत ज्यादा छुपा होगा, तो आपका रिएक्शन क्या था उस समय पर? मैं तो काफी मतलब खराब रिएक्शन था, मैं तो वीडियो भी बनाया था उस पे कि भाई मतलब मैं ऐसा कुछ टॉलरेट नहीं कर सकता, कितना ही बड़ा प्लेयर हो अगर एम्बापे भी आ जाता और वो इस तरीके की हरकत करता तो भी मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। अल्टीमेटली क्लब सबसे ऊपर होता है और वो लिवरपूल वाली परफॉर्मेंस में दिखा भी कहीं ना कहीं कि क्लब सब कुछ है और टीम जो है एक साथ होके खेलने के लिए तैयार है और एक प्लेयर की हरकतों से फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब थोड़ा सा वो जो सिचुएशन है डिफ्यूज हो गया है क्योंकि लुकाकू ने खुद आके मतलब वर्बल अपोलॉजी दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो मतलब दैट काम्स द थिंग्स अ बिट डाउन। क्योंकि अब एक तो होता है कि रिटर्न में आपने अपोलॉजी दे दी, एक ट्वीट डाल दिया या आपने इंस्टाग्राम पोस्ट डाल दिया तो उसमें वो इफेक्ट नहीं आता है जितना एक सीधा मतलब आपने बैठ के एड्रेस ही कर दिया डायरेक्ट और उसमें क्लियरली बोला उसने कि आई वांट टू अपोलोजाइज टू माय टीममेट्स, टू माय फैंस, टू द मैनेजर और टू द बोर्ड, सबको उसने मतलब ठीक ठाक सॉरी बोला है। सही है, अब वो उसको बुलवाया गया या जो भी है बट वो उसने कर दिया है जो फैंस चाह रहे थे, जो मैं चाह रहा था वो करें। और बस अब यही है कि अब क्योंकि वो हमारा प्लेयर है यार और हमें तो अपने प्लेयर्स को थिन एंड थिक में बैक करना ही है, बस ये जो हुआ बहुत ही स्टूपिड था एंड आई होप कि अब ये जो है सिचुएशन यही खत्म हो जाए एंड ही इज बैक इन द स्क्वाड टुनाइट अगेंस्ट स्पर्स। आज मैच है स्पर्स से तो ही इज बैक इन द स्क्वाड, आई होप मतलब ही गेट्स बैक। और बाबा ये ऐसी चीज नहीं रहती, मतलब शीशा तोड़ दो और उसके बाद उसको चिपका कर दे दो, ठीक है, बट अब ऑप्शन भी तो क्या है और हमारे पास मतलब अभी अगर वो आके गोल स्कोर कर देता है थोड़े डिसाइसिव मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर देता है तो सब भूल जाएंगे, किसी को याद भी नहीं रहेगा कि ये सब हुआ भी था। हाँ बट अगर वो परफॉर्म नहीं करता है एंड देन ही यू नो कीप्स ऑन थ्रोइंग टेंट्रम्स तब चीजें जो है खराब होगी, बट आई होप कि ऐसा ना हो और वो करने लग जाए जिस काम के लिए उसको लाया गया है, टू स्कोर सम गोल्स एंड विन अस सम फुटबॉल मैचेस, तो आई होप कि अब ऐसा ही होगा। और बात करते हैं चेल्सी और लिवरपूल मैच के बारे में, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब मुझे तो लगा था एज अ न्यूट्रल कि मतलब बहुत ही तगड़ा मैच, एक्साइटिंग मैच, इंटेंसिटी ने पूरी समझ रहे हो ना बाबा, मतलब पूरी ठोक ही दी दोनों ही टीम की। यहाँ मतलब ऐसा नहीं था कि एक टीम के पास पोजीशन ही रखा था, एंड टू एंड गेम चल रहा था, यहाँ पर लिवरपूल वहां से पीछे से डिफेंस में से बॉल निकाल रही है, यहाँ पर चेल्सी निकाल रही है। बट एक प्लेयर के बारे में मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ एंड ही इज पुलिसिच भाई, प्लेइंग एट द राइट विंग बैक पोजीशन फॉर टू मैचेस लिटरली, और उसके बाद सेकंड हाफ में आकर एक सेकंड हाफ में फिर एक स्ट्राइकर की पोजीशन में खेलना। हाउ डू यू थिंक दैट पुलिसिच मतलब कुछ आगे रोल बड़ा निभा सकता है, क्योंकि उसके ट्रांसफर टॉक्स भी आ रहे थे फिलहाल में, मतलब वो निकलना मतलब निकाल सकते हैं उसको चेल्सी से? नहीं अभी तो आई डोंट थिंक कि इस ट्रांसफर विंडो में कुछ भी मूवमेंट होगा, प्लेयर आएंगे ही, जाएगा कोई नहीं क्योंकि स्क्वाड काफी थिन हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि प्लेयर्स बहुत सारे इंजर्ड हैं, फिर जो प्लेयर्स फिट रहते हैं उनको कोविड हो जाता है, वर्नर अभी तक नहीं आ पाया टीम में वापस, फिर ZH भी हमारे लिए काफी क्रूशल रहा है कुछ मैचेस में, जिसका सबसे ज्यादा लग रहा है कि मतलब ही इज द वन हु विल लीव चेल्सी, बट ऐसा नहीं है अभी, मुझे नहीं लगता कि पुलिसिक विल लीव इन समर आल्सो, क्योंकि वो काफी क्रूशल प्लेयर है थॉमस टुकल के लिए, सिस्टम में हमने देखा है विंग बैक भी खेल लेता है, क्रिएटिव विंग बैक फॉर दैट मैटर, जो काम तारिक लैम्प्टी करता है कहीं ना कहीं ब्राइटन के लिए, डिफेंसिवली ठीक है यू कैन नॉट बैंक ऑन पुलिसिक बट उसका काम भी नहीं है वो, और जो टीम स्लो ब्लॉक खेलती है जो हाई प्रेसिंग करती है जरूरत भी नहीं है उतना वहां पे डिफेंड करने की, आपको डिफेंड करना है जहां आपको पता है कि आपके बैक चैनल्स में रन निकलेंगे, वहां पे आपके पास रीस जेम्स है और पुलिसिक इज अ वेरी क्रूशियल प्लेयर अगर आपको आगे खेलना है इन फ्यूचर, अगर थॉमस टुकल फोर एट द बैक सिस्टम के साथ जाता है, विंगर्स उसको चाहिए तो वहां पुलिसिक लेफ्ट विंग के लिए बहुत असेंशियल प्लेयर हो जाता है और अभी भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है पुलिसिक, इफ यू सी द गोल दैट ही स्कोर्ड तो काफी मतलब अच्छा उसका इंपैक्ट रहा उस गेम में, कुड हैव गॉट अ हैट्रिक उस गेम में, मतलब इतने चांसेस थे उसके पास, बट ठीक है मतलब आई डोंट थिंक
कि पुलिसिक शुड लीव एंड आई थिंक ही इज फिटिंग वेल इन टुकल सिस्टम, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि हम इतना हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेलते हैं कि हमें चाहिए इतने सारे प्लेयर्स, क्योंकि पुलिसिक का यू नेवर नो व्हेन ही इज अनफिट एंड ही इज आउट ऑफ एक्शन। बाबा थॉट्स ऑन कोवाचिच, मतलब वो बंदे के पास से बॉल लेना बहुत ही मुश्किल है भाई। कोवाचिच तो आई थिंक इज द मोस्ट अंडररेटेड मिडफील्डर राइट नाउ इन वर्ल्ड फुटबॉल, मतलब अगर आप टॉप 10 मिडफील्डर्स की बात करोगे तो कोवाचिच आई थिंक कोई सोचेगा भी नहीं कि कोवाचिच का नाम डालना है टॉप 10 में। मतलब टॉप 10 की अगर आप बात करोगे तो यू थिंक ऑफ पीपल लाइक डी ब्रुयना, ब्रूनो फर्नांडेस, टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच, गोरेट्स्का, किमिक, जॉर्जिनियो कांटे, यही सारे नाम आते हैं मतलब आपके दिमाग में, बट कोवाचिच का नाम नहीं आता। बट आई थिंक ही इज अ वेरी अंडर रेटेड मिडफील्डर, हिज ड्रिबलिंग एबिलिटी इज सेकंड टू नन, मतलब जो जिस तरीके से वो ड्रिबल और बॉल प्रोग्रेशन करता है, प्रेस रेजिस्टेंट है, प्रेस ही नहीं कर सकते कोवाचिच को, कोई चांस ही नहीं है प्लस दो तीन प्लेयर आ रहे हो, और जहां दो तीन प्लेयर उस पर चढ़े ही सो इंटेलिजेंट कि वो ऐसा पास निकाल देगा कि आपका जो फ्लैंक खाली हो रखा होगा वहां पे विल गेट इन टू ट्रबल, और वही हो रहा था लिवरपूल के साथ बार बार उस मैच में। तो डेफिनेटली मतलब वो फुल्ली फिट कोवाचिच इज समथिंग एल्स, मतलब वो उस दिन दिखा दिया उसने, और आई होप कि इस तरीके की परफॉर्मेंसेस कंटिन्यू रहे। दो सीजन पहले ही वाज अ प्लेयर ऑफ द ईयर, ही वाज चेल्सीज प्लेयर ऑफ द ईयर, तो मतलब है वो, मैं तो उसको बहुत हाईली रेट करता हूँ, मतलब पीपल डोंट रेट हिम दैट हाईली बट आई थिंक ही शोड दैट डे की व्हाट ही कैन डू। तो क्या ये मतलब एफकॉन मतलब रिजल्ट कर सकता है कि चेल्सी के कुछ डाउनफॉल में? फिलहाल तो मेंडी नहीं होगा, मेंडी चले गए एफकॉन के लिए, सो क्या ये बड़ा लॉस तो है ही, मतलब किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है चेल्सी को? आई थिंक केपा को जब जब चांस मिला है सीजन ही इज परफॉर्म्ड रियली वेल, मैं डिनाई नहीं करूंगा, मतलब स्पेशली इन द सुपर कप, सुपर कप अब केपा की वजह से ही जीता है, विलारियल के अगेंस्ट एनी सेव दोस टू पेनल्टीज, और जब जब उसके अलावा भी उसको कप गेम्स में या चैंपियंस लीग के लास्ट दो गेम्स में उसको चांस मिला तो वो अच्छे सेव्स किए उसने, ही इज हैड रियली गुड गेम्स, तो आई हैव फुल फेथ इन केपा, फुल कॉन्फिडेंस है केपा में, कोई उसमें डाउट नहीं है, बट हाँ मेंडी इज अ ह्यूज मिस, डिनाई नहीं कर सकता मैं, मतलब ही इज अ नंबर वन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ, तो मेरे को नहीं लगता है कि इतना अफेक्ट करेगा मेंडी का मिस, क्योंकि केपा का इशू कॉन्फिडेंस का था, पोटेंशियल और टेक्निक का तो कभी था ही नहीं, कीपर तो अच्छा है ही वो, इट वाज ऑल डाउन टू कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिट टू थॉमस टुकल जो उसने केपा का जो कॉन्फिडेंस है उसको रेज किया है किसी लेवल पे, एंड वेन एवर इज आउट देयर ही ऑलवेज हैज अ स्माइल ऑन हिज फेस, ऑलवेज रेडी टू यू नो प्ले मतलब हिज बेस्ट फुटबॉल, गिव हिज ऑल ऑन द पिच, तो वो सब चीजें हैं, तो I don't think कि इतना इफेक्ट पड़ेगा लिवरपूल को, because Salah and Mane are not there, Naby Keita is not there, और उनका स्क्वाड ऑलरेडी इतना थिन है। I don't know if आज आर्सेनल और लिवरपूल का कारबाओ कप गेम होगा भी नहीं, क्योंकि आज न्यूज आई है कि लिवरपूल ने अपना ट्रेनिंग ग्राउंड शट डाउन कर दिया है क्योंकि उनके इतने सारे कोविड केसेस आ गए, तो ज्यादा लॉस लिवरपूल को है चेल्सी से एफकॉन की वजह से मुझे ऐसा लगता है। भाई चलिए हम टोटनहम की बात कर लेते हैं, मतलब अभी निकल ही गए तो, so टोटनहम वर्सेस चेल्सी, तो कॉन्टे की टीम मतलब इतनी साउंड में नहीं है फिलहाल, बीच बीच में ड्रॉस भी हुए हैं, ऐसी नहीं है कि फुल फ्लेज मतलब अभी जीतने के तरीके पर निकल गई है। टू मैचेस इन एंड, लीग की बात कर रहा हूँ, टू मैचेस इन एंड, टू और थ्री मैचेस इन एंड, अगर तीनों जीत जाते हैं लिवरपूल से ऊपर, मतलब लिवरपूल के पास भी एक मैच हैंड में है फिलहाल, तो तीनों जीत जाते हैं तो लिवरपूल के ऊपर, सो डू यू थिंक मतलब कॉन्टे जिस तरीके से काम कर रहा हैज इम्प्रूव्ड स्पर्स, जैसे कि पीछे मतलब पिछले टाइम से देख रहे हैं हम स्पर्स को, उससे बहुत इम्प्रूव हुई है। Definitely, मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी अगर आप लिवरपूल के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस देखो तो आई थिंक दे शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 4-5 गोल्स, और अभी उनको रिजल्ट ग्राइंड करना भी आ गया, मतलब वॉटफर्ड के अगेंस्ट दे गॉट अ गोल राइट एट द एंड, और उसके अलावा भी मतलब दे आर रियली किलिंग इट, मतलब सर्जियो रेगुलॉन बहुत बढ़िया प्लेयर बन गया है, ओलिवर स्किप है सडनली इम्प्रूव्ड अ लॉट, लुकास मूरा हैज बीन एन अ कंप्लीट बीस्ट, बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर हैरी केन हिट्स फॉर्म and that team will be unrecognizable for from what they were at the start of the season. Ek do signings aur kar liye agar Conte ne apni January mein, to definitely he is a good shout. I am still rating Spurs chances to finish in top 4 above United and Arsenal. Main itna zyada Conte mein believe karta hu because he was in Chelsea manager, us Chelsea ko league jitai hui hai aur yahi system khel ke jitai hui hai aur usko pata hai ki uske paas uske players hain aur वो प्लेयर्स को इम्प्रूव भी करता है, मतलब इफ यू रिमेम्बर चेल्सी में विक्टर मोसेस को उसने उस सीजन टॉप एक विंग बैक बना दिया था, विक्टर मोसेस किसी को आइडिया भी नहीं था कि विंग बैक खेल सकता है, नो वन हैड हर्ड ऑफ मार्कोस अलोंसो उस सीजन से पहले, तो मार्कोस अलोंसो को उसने प्लेयर बना दिया था उस सीजन, तो उसका
है लुकाकू, आज लुकाकू कॉन्टे की वजह से है, बिकॉज वॉट ही डिड विद लुकाकू इन इंटर, तो उस वो प्लेयर्स खरीदता ही नहीं है, वो प्लेयर्स बनाता भी है, वो टीम भी बनाता है, और ही इज अ रिंग मास्टर, इज अ मैन विद एन आयरन फिस्ट, उसको जो चाहिए वो करता है वो। एंड आई थिंक करंटली द स्क्वाड का शेप, द फॉर्म, और अगर मैं टैक्टिकली भी बात करूं तो कॉन्टे इज बेटर राइट नाउ देन रैगनिक एंड आर्टेटा, तो इसीलिए भी मुझे लगता है कि स्पर्स हैव अ रियली गुड चांस ऑफ फिनिशिंग इन द टॉप फोर। तो व्हाट डू यू मेक आउट द स्कोर प्रेडिक्शन फॉर टुनाइट, मतलब क्या लगता है एज ए न्यूट्रल की तरह सोचना, नॉट अ चेल्सी बायस्ड, नहीं, एज ए न्यूट्रल क्या लगता आई थिंक चेल्सी स्टिल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट गेम, बहुत डिफिकल्ट होगा, बट स्टैमफर्ड ब्रिज में लुकाकू इज कमिंग बैक, आई डोंट थिंक कि आते ही बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट करेगा, बट आई विल बैक माई टीम इन दिस वन एंड आई विल गो फॉर अ हार्ड फॉट अगली वेरी स्क्रैपी 1-0 विन फॉर चेल्सी, ये मेरा प्रिडिक्शन रहेगा। एंड सेकंड लेग वी माइट सी अ निल निल ड्रॉ एंड चेल्सी गोइंग थ्रू टू द फाइनल, क्योंकि चेल्सी इज अ वेरी गुड कप साइड अंडर थॉमस टुकल। थॉमस टुकल ने कप साइड बहुत अच्छा, मतलब जब से थॉमस टुकल आए हैं एफए कप के फाइनल में पहुंचे हैं, चैंपियंस लीग जीत गए थे और काराबाओ कप के सेमीफाइनल में है, तो कप रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है अभी तक चेल्सी का थॉमस टुकल के अंडर। तो आई एम बैकिंग माई मैनेजर एंड माई टीम, तो आई विल गो विद अ 1-0 चेल्सी विन टुनाइट। तो हाउ विल बी द होमकमिंग फॉर कॉन्टे, आई ऐसा रिसेप्शन मिल थिंक सकता है? मिक्स्ड होगा काफी, मिक्स्ड नहीं होगा, बुई होगा वो, क्योंकि यू कैन नॉट गो टू स्पर्स, वो एक राइवलरी है, लंदन वाला फैक्टर है, बट ये मैं वहां के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरे लिए तो आई विल ऑलवेज बी अ फैन ऑफ एंटोनियो कॉन्टे, मैं तो किसी को ऐसे बू करता नहीं, बट डेफिनेटली ही विल नॉट गेट अ वार्म रिसेप्शन, या ठीक है सर्टेन सेक्शन ऑफ द क्राउड विल डेफिनेटली बू हिम कि भाई तुम स्पर्स क्यों चले गए, स्पर्स कोई नहीं जा सकता, वंस यू आर इन्वॉल्व विद चेल्सी यू कैन नॉट गो टू स्पर्स, ऐसा बोला जाता है ड्यू टू दैट राइवलरी, और आर्सेनल फॉर दैट मैटर।